शाहीन बाग में सीए और एनआरसी को लेकर बीते 15 दिसंबर से धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन कल एक ऐसा मैसेज सर्कुलेट किया गया कि 1 मार्च को हिंदू सेना के द्वारा मार्च निकाला जाना है। प्रदर्शनकारी शाहीन बाग तक पहुंचने वाले थे, जिसके चलते दिल्ली पुलिस ने शाहीन बाग इलाके में धारा 144 को कल से ही लागू कर दिया है। मैं दिखाना चाहूँगा, दिल्ली पुलिस के द्वारा ऐसे बैनर जगह जगह पर लगा दिए गए हैं कि कृपया एक जगह पर एकत्रित ना हो, इस इलाके में धारा 144 लागू है। इस तरीके से शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस के द्वारा तमाम प्रयास किए गए थे, क्योंकि देखा गया था बीते दिनों उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाकों की बात करें तो काफ़ी हिंसा देखी गई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं पहले से ही एहतियात उठाने के लिए आमादा हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ पर काफ़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के साथ ही सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई थी। कई टुकड़ियाँ दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ महिला दस्ते की भी यहाँ पर तैनाती की गई थी, क्योंकि देखा जा रहा है प्रदर्शनकारियों में जो सीए और एनआरसी के विरोध में बैठे हैं उसमें महिलाओं की संख्या काफ़ी अधिक है, जिसके चलते महिला प्रदर्शनकारियों की संख्या इसमें काफ़ी अधिक थी। एक सवाल यह भी था, दिल्ली पुलिस पर लगातार बीते कई दिनों से सवाल उठते खड़े आए थे, क्योंकि बीते दिनों जब उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा हुई थी तो लगातार 3 दिनों तक ये हिंसा चलती रही थी, 3 दिनों से भी अधिक के समय तक। लेकिन एक सवाल दिल्ली पुलिस पर भी खड़ा हुआ था, लगातार इतने दिनों तक जब हिंसा चलती रही तो दिल्ली पुलिस ने बड़े कदम क्यों नहीं उठाए। इस कदम को देखते हुए ही जब उत्तर पूर्वी दिल्ली में ऐसे कदम नहीं उठाए गए तो एहतियात के तौर पर पहले से ही इस इलाके में शाहीन बाग में धारा 144 को लागू कर दिया गया और अधिक संख्या में फोर्स को तैनात कर दिया गया था। साथ ही साथ अमन चयन कमेटी की कई बैठक की गई, जिसके बाद हिंदू सेना ने भी अपना फैसला टाल लिया, क्योंकि विधायकों के संपर्क लगातार साधे गए थे। दिल्ली पुलिस की बात करें तो लगातार मीटिंग की जा रही थी, कृपया प्रदर्शन ना करें, इससे माहौल बिगड़ सकता है। लेकिन कल का एक और दिन खास देखा गया, क्योंकि इसमें काफ़ी अफवाहें फैली। कल के अगर रविवार शाम की बात करें तो कई जगह ऐसी अफवाहें आईं दंगे की, जहां हिंसा की अफवाहें फैली, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उस स्थिति में साफ किया ऐसी कोई हिंसा की घटना नहीं है आई है, यह केवल अफवाह है। लेकिन अगर शाहीन बाग की बात करें तो शाहीन बाग में अभी भी धारा 144 लागू है और बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान के साथ ही सीआरपीएफ के जवान इस समय सुबह के वक्त भी तैनात हैं, क्योंकि माहौल ना बिगड़े इसलिए एहतियात के तौर पर दिल्ली पुलिस ने यह पहले से ही कदम उठाया था और माहौल ना बिगड़े ये कोशिश दिल्ली पुलिस अभी भी कर रही है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ अनमोल कुमार, टोटल न्यूज़ दिल।